कोरोना से देश में आज 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अमृतसर में पद्मश्री निर्मल सिंह खालसा की मौत हो गई है और इसके अलावा गुजरात के बड़ोदरा में एक बुजुर्ग की मौत हुई है इसी कोरोना वायरस के चलते, और अंबाला के बुजुर्ग की भी चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज 3 और मौत कोरोना से हुई है। लेकिन लगातार हम आपसे यही कह रहे हैं कि अगले जो 10 दिन हैं, जिस तरह से ये लॉकडाउन का जो पीरियड है 21 दिनों का, अगले 10 दिन और हैं जो कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जो खबर आ रही है कि 3 मौत हो चुकी है, वो खबर अच्छी नहीं है। हम सीधे बात करते हैं, विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज 3 केस और सामने आए जिसमें से एक तो चंडीगढ़ का ही है। जी हमारी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करें तो आज पंजाब की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अमृतसर में आज सुबह 4:30 बजे जो हैं जो रागी थे दरबार साहिब के, उनकी मौत हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि कल ही उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। और इसी दौरान अगर देखा जाए तो वो कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में एक समागम में आए हुए थे, जहाँ पर करीब करीब 70 से 80 लोग भी बताए जा रहे थे कि उस समागम में वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब प्रशासन, चाहे चंडीगढ़ प्रशासन है या फिर पंजाब, वो सारा खंगाल रहा है कि कौन कौन लोग यहाँ पर थे और उनके साथ जो, जिस तरह से बताया जा रहा था कि वो रागी थे, तो उनके साथ उनके जो अन्य लोग थे उनका भी जो टेस्ट वो लिया जा रहा है। साथ साथ उनके जो 5 घर के लोग हैं उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ अगर बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पहली डेथ हुई है, अंबाला में ये डेथ हुई है। और PGI में कल ही इनको जो है एडमिट कराया गया था, वो 67 वर्षीय जो है वो बुजुर्ग थे, तो उनकी जो मौत हुई है, तो हरियाणा में ये पहला मामला है। और पंजाब में अभी तक फिलहाल जो है वो 5 मौत जो है हो चुकी है। जी फिलहाल शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए।